Hey everyone, so मैं जस्ट अभी निकली हूँ मेरे घर से और हमारे बिल्कुल साफ आप देख सकते हो यहाँ पे एक मंडी बोल सकते हैं लोकल ऐसा कुछ लगा हुआ है, बहुत सस्ता सामान मिल रहा है, ऐसे में खबर मिली है तो हम भाग कर जा रहे हैं। मेरे दोस्त पहुँच चुके हैं वहाँ पे और मैं बस जा रही हूँ। अभी खबर है कि यहाँ पे बहुत सस्ता सामान है तो चल के देखते हैं, होगा तो हम भी लूट लाएंगे, अपनी भी दिवाली आ रही है। यहाँ पे क्या ही होगा, मैं भी क्या सोच कर आई हूँ। जोड़ी हो तो ऐसी, हम तो गलत जगह पे आ गए ऐसा लग रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा, दूध दिखा था वो सेम ही रेट का था, क्या ही लेना था। यहाँ पे भी गलत ही है, सॉसेजेस वगैरह है। कविता मच्छी लेगी क्या? इसका उल्टी गति हो रहा है भाई साहब। थोक के भाव में आटा बिक रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या रेट होगा। यार मुझे लगा सस्ता है, सस्ता भी है। बल्क में लेने तो हम इतने का क्या ही करेंगे, 10-10, 15-15 किलो टेंगे, मतलब 15-15 किलो का। सो आई डोंट थिंक सो दिस स्कीम गोना वर्क फॉर अस, मतलब फैमिली के लिए तो बेस्ट है यहाँ पे, है ना यार। हाँ। हमारी यूनिवर्सिटी की 6th बिल्डिंग है एंड दैट वन इज 5th बिल्डिंग। यहाँ पे मैंने 25 किलो का आटे का कट्टा ले लिया है। हाँ, कैसे हंस रहा चाचा, शर्म नहीं आ रही? ये नहीं छोटे छोटे बच्चों की मदद करा दे, तब तक क्या सब चल रहे हैं यहाँ पे, क्या बस ना पकड़ेंगे कैसे इसको? सर पे रख ले कविता, कविता सर पे रख ले, एक को सीधा एक को उल्टा लगा लिया। से एक पिन्नी नहीं लग रही, क्या करने में है? 25 किलो का कट्टा उठाते हुए, क्योंकि 25 ही बताया है मैंने, क्योंकि सस्ता था तो बस हमने यही लिया है। और हमारे घर यहाँ से बहुत पास है तो अभी हम ऐसे चले जाएंगे, और लोग आए जा रहे हैं अभी भी। यहाँ से 2 मिनट में हमारा घर है, मतलब कुछ तो फायदा हुआ आज हमारा घर इतना इस लोकेशन का। बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक तो यहाँ पे स्नो थी और पिंगल गई तो पूरा कीचड़ हो रखा है। हाँ हम लोग फिर से जा रहे हैं, क्योंकि वो हमने जैसे देखा सब चीजें क्वालिटी वाइज हर चीज से तो वो बहुत सस्ता पड़ रहा है हमें, तो हम फिर से थोड़ा लेके आएंगे और कुछ देखेंगे कुछ सस्ता पड़ेगा, बिकॉज आज हमारी छुट्टी है
ऑल तो पढ़ना था बट कोई बात नहीं, जब हमें बेनिफिट हो रहा है तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। Сахнада қарсы алыңыздар. Өмірзат Нұрпейіс, Мағжан Жұмабаев ауданы. Ассалам алейкум, береке болсын, көңілдері. चौधरी की वजह से इसके कद पे और वेट पर ना जाएगी। अपने राजस्थान की बहुत धाकड़ छोड़ी है। दो मिनट का रास्ता इसने तय किया है सर पर रख कर। सारे के सारे रशियन इसको देख रहे थे और देखना वाजिब भी था क्योंकि यहाँ बड़ी चीजें कॉमन नहीं होती है। पर हमने हाँ दोस्तों जैसे की मुहिम उठाई थी और हमको कट्टा लेकर आया था वैसे उठाकर, तो हम लेकर आए हैं और हम घर पर पहुंच चुके हैं अपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ तो फायदा हुआ हमें भी ये रशियन स्टॉल लगाने का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई नो ये ब्लॉग बहुत ज्यादा गंद था इसमें क्योंकि हम भी गंदे ही थे, उठ के बस भागे थे, तो हम प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो हमें माफ करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, फिर सर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।